नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जिंदगी का भयंकर रूप अब आपके सामने आने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यही विधि का विधान है। अब दोस्तों, आपके जीवन काल की एक एक सच्चाई सामने आने वाली है। और इन सच्चाइयों को दोस्तों आप जानकर सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। और दोस्तों, ये दर्द का जो मटका है वो अब भर चुका है और उसकी अब बारी है फूटने की। इसके साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में नए बड़े बदलाव के कारण उन्हें छोड़ दिया है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएँ होने लगी हैं कि आपका मन बहुत ही अस्त हो चुका है और आपको लगने लगा था कि आपके जीवन काल में अब बदलाव हो ही नहीं सकता, शायद भगवान का हाथ ही आपके जीवन काल से हट चुका है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि बुराई कितनी भी ताकत लगा ले, सच्चाई के सामने उसे हार मान नहीं पड़ती है। और दोस्तों, इस समय भी आप सभी के जीवन काल में आपकी सच्चाई की जिद और दोस्तों सभी देवी देवताओं ने गवाही दे दी है। दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने जो ये खास संकेत दिए हैं, उनके अनुसार आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें ये कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इन सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि ग्रह गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही इस समय आपको कौन सी विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि आप सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और लगातार आप पर पड़ता रहे। तो दोस्तों, सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। बात ही दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आप खुशी की अनुभूति महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय शिव शंकर जरूर लिखें। ईश्वर का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े ही प्यारे ज्ञान के साथ में। दोस्तों, एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवद गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरी गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना, वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ, तू नाच रहा है, गा रहा है। भक्त बोला, भगवान मेरे प्रभु, आप खुश हो या फिर नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर भगवान हमें कोई भी परिणाम दे, हमें उनके ऊपर खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छे कर्म का अच्छा फल ही देते हैं। भले ही इस समय में वो हमें बुरा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों, वह फल हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है और ये बात हमें बाद में जाकर पता चलती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि अगले 3 दिनों में आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। किसी भी व्यवसाय संबंधित फोन कॉल को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपके लिए थोड़ा घाटे वाला रह सकता है। मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने वाले लोगों को बता दें कि आप ऐसे कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिए। इस समय पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधित नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान वातावरण की वजह से आप अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। मंदी का दौर होने के कारण व्यवसाय गतिविधियाँ बेहतर रहने वाली हैं। इसमें दोस्तों, भाइयों का सहयोग आपके काम में और अधिक विकास देखने को मिलेगा। किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। वहीं लव लाइफ की बात कर लेते हैं, अर्थात आपके प्रेम संबंधों के बारे में। दोस्तों, घर में सुकून का माहौल रहने वाला है और घर में सुकून का माहौल रहेगा। युवा वर्ग वेयर के प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी ना पड़ के अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, जीवन साथी तथा व्यावसायिक लोगों के साथ में खुशनुमा और खुद
अच्छा समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। घर का माहौल खुशनुमा और काफी अच्छा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में इस समय भावनात्मक रूप से एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में सक्षम रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण घर परिवार के साथ में अधिक समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में घर का वातावरण उचित और अनुशासित बना रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बनी रहेंगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। सभी सदस्यों का आपस में कुछ समय व्यतीत करना संबंधों में और अधिक नजदीकियां ला सकता है। वहीं दोस्तों हेल्थ की बात करते हैं, अर्थात आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है, लेकिन आपको वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना यह उचित नहीं रहने वाला है। जोड़ों में दर्द की कोई भी पुरानी समस्या आपकी बढ़ सकती है। वायु और दोस्तों वादी वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना आपके लिए आवश्यक है। व्यायाम और योग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपके कार्य क्षमता में रुकावट डाल सकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में आपको बता दें कि आपका संबंध अच्छे रहेंगे और अपने कार्य में उनकी सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी चिंता रह सकती है, परंतु चिंता ना करें, आने वाले समय में जल्दी ही स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको परेशान होने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा। बात करते हैं दोस्तों आपको किन चीज़ों से सावधान रहना होगा। दोस्तों आगे बताते हैं कि आपको अपनी ज़रूरतों पर काबू रखना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। किसी के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों इस समय ज़्यादा नुकसान होने की आकांक्षाएं दिख रही हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य को थोड़ा सा नरम रखने के लिए इंतज़ार करना होगा। स्वास्थ्य जल्दी होने के खराब होने की वजह से आपको थोड़ा आराम रखने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता ना करें, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। लेकिन आपको पड़ोसी के साथ में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आलस्य को आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ये समय मेहनत और परिश्रम करने का है। विद्यार्थी और युवा वर्ग पढ़ाई अथवा करियर पर अधिक ध्यान दें। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी ही करना है। किस समय दोस्तों ज्यादा मेल झाल ना बढ़ाएं, आप अपने काम से ही मतलब रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।